हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल योर्स बीएफएफ बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए रिव्यू लेकर आई हूँ बोया के माइक का। ये बोया का M1 माइक है, तो ये मैंने अमेजोन से परचेज किया था। बहुत सारे रिव्यू यूट्यूब पे चेक करने के बाद मैंने इसे परचेज किया था। सबने बोला ये काफी अच्छा है, ये नॉइस कटर के लिए काफी ज्यादा अच्छा है, ये पीछे बैकग्राउंड में चले हुई फैन की आवाज को भी कट कर देता है। पर बिलीव मी, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पता नहीं लोग यू क्यू बोल रहे थे, और बहुत से लोगों ने बोला कि ये एक मोबाइल में काम करता है, दूसरे में नहीं काम करता है। तो मैंने इसे दो तीन मोबाइल में ट्राई करके देखा, पर ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। तो आज मैं आपको पहले दिखा देती हूँ इसकी अनबॉक्सिंग करके, इसके अंदर क्या क्या चीजें रहती हैं। तो मैं इसे ऑलरेडी यूज कर चुकी हूँ, तो मैं इसे ओपन कर देती हूँ। तो इसके बॉक्स में एक इसमें बैटरी थी वो मुझे मिली, फिर ये इनका वारंटी कार्ड और ये इनका बुकलेट है, और ये चीज मिली मुझे। ये शायद कैमरे के साथ यूज होती है, जब हम कैमरे के साथ इस माइक को यूज करेंगे तो ये चीज यूज की जाती है। तो ये अभी मेरे किसी काम की नहीं। और ये स्टिकर मिला था, ये पाउच है, पाउच में इन्होंने बाकी चीजें दी हैं। ये वो बैटरी है जो मैंने निकाला था उसके अंदर से, और ये साथ में एक क्लिप मिल जाता है जिससे हम माइक को अटैच कर सकते हैं अपने शर्ट वगैरह पे। और ये माइक है, इसकी वायर तो काफी लंबी है, बहुत ज्यादा लंबी है, ये मुझे काफी सही लगी। ये इसका माइक है, साथ में एक फोम मिला था जो मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है। और ये जो यहाँ पे क्लिप मिला है, एक मिनट में इसे ओपन कर लूं। तो ये जो क्लिप है इसे आपको यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे अटैच करना है, और फिर अपने शर्ट पे इस तरह से आपको इसे क्लिप कर लेना है। तो अभी मैं इसे अटैच नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं इसे रिटर्न ही करने वाली हूँ। और ये बैटरी तब यूज की जाती है जब आप इसे कैमरे के साथ लगाते हो, मगर जैसे आप कैमरा यूज कर रहे हो उसके साथ इस माइक को अटैच कर रहे हो तब ये बैटरी यूज की जाएगी। ऐसे फोन के, स्मार्टफोन के साथ बैटरी का कोई यूज नहीं होता है। फिर भी मैं यहाँ पे लगा देती हूँ, वरना बहुत लोगों को लगे मैंने बैटरी नहीं लगाया, तो इस वजह से शायद मेरा नॉइस कट नहीं हुआ पीछे। तो बैटरी लगाने के लिए ये चीज यहाँ पे देखिए, यहाँ प्लस लिखा, प्लस का साइन बना हुआ होगा, आपको दिख रहा होगा। मैं फोकस करती हूँ, ये देखिए, ये आपको प्लस का साइन दिख रहा है, तो आपको यहाँ पे लगाना है। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ प्लस और माइनस लगा है, मतलब प्लस वाली साइन इधर होनी चाहिए। तो ये जो इन्होंने यहाँ पे कपड़ा दिया है, इस कपड़े को आपको ऐसे रखना है और फिर यहाँ पे इसको बैटरी को प्लेस कर देना है। कपड़ा इसलिए है ताकि हम इजिली बैटरी को निकाल सके। अगर आप बिना कपड़े के लगाएंगे तो फिर बैटरी आपकी निकलेगी नहीं, तो आप इस तरह से जब कपड़े को पुल करेंगे तो बैटरी निकल जाएगी। तो अभी मैं इसे बस बैटरी लगा देती हूँ और इसे बंद कर देती हूँ। तो मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑन करती हूँ, और साथ में मैंने अपना स्क्रीन रिकॉर्ड भी ऑन कर दिया है ताकि आपको साफ दिख सके। तो स्क्रीन रिकॉर्ड को मैंने म्यूट किया हुआ है, और मैं जो मेन कैमरा वाला है उसे ऑन करके शूट कर रही हूँ। तो इसकी वायर काफ़ी लंबी है, तो मैं इसे ओपन कर देती हूँ। तो मैंने माइक को अपने कपड़े से अटैच कर लिया है 8 से 10 इंच की दूरी पर, और ये चीज़ जो है इसे भी मैं अटैच कर ले रही हूँ, वरना ये ना हो कि ये हवा में लटक रहा है, तो इस वजह से। और इसे मैंने कैमरा और स्मार्टफोन ऑफ पे इसका बटन किया हुआ है, ये दिख रहा है आपको। तो इसे मैं अपने कपड़े से अटैच कर ले रही हूँ पहले, ताकि ये भी ना हिले बिल्कुल भी। और अभी मैंने अपने बैकग्राउंड में फ़ैन चलाया हुआ है, बहुत ही लो पे चलाया हुआ है, अभी तो फास्ट भी नहीं चलाया मैंने क्योंकि ठंडी का मौसम है। फिर भी आपको आवाज़ तो आ ही रही होगी फ़ैन की। तो मैंने बहुत से यूट्यूबर के वीडियो में चेक किया था कि उन्होंने बोला कि ये एक मिनट बाद ही नॉइज़ को कट करता है, तो आप वीडियो को एक मिनट तक पहले शूट करें उसके बाद देखें। तो ठीक है, मैं एक मिनट वेट कर लेती हूँ, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक मिनट तक हम ऐसे ही फालतू वॉकबॉक करेंगे। तो ये अभी वीडियो हमारी चल रही है, आपको पता नहीं बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही होगी या नहीं आ रही होगी, तो वो हम एक मिनट बाद ही चेक कर सक पाएंगे। तो मैंने उसे अटैच कर लिया अपने कपड़े में, तब तक मैं आपको ये बुकलेट दिखा देती हूँ जब तक हमारा एक मिनट हो रहा है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब हम मोबाइल के लिए यूज़ करते हैं तो हमें बैटरी को नहीं लगाना है, तो देखिए यहाँ पे इन्होंने साफ साफ मेंशन किया है, यूजिंग द माइक्रोफोन विद अ स्मार्टफोन, नो नीड टू इंस्टॉल बैटरी विन यूजिंग विद अ स्मार्टफोन। तो फिर भी मैंने इंस्टॉल किया है बैटरी, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग वीडियो में दिखाया, मैंने बैटरी को इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया है ऑलरेडी।
तो 1 मिनट तो ऑलमोस्ट हो ही गया है, तो अभी तो बैकग्राउंड में फ़ैन की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, तो लेकिन शायद अभी आवाज़ आ रही होगी आपको। तो मैं यहाँ पे वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो अभी आपको मेरे पीछे से गाड़ियों की आवाज़ आ रही होगी। तो ये बिल्कुल भी काम नहीं करता है, लेकिन फिर भी लोग बोलते हैं कि ये काम कर रहा है, तो फिर चेक कर लेते हैं हम। तो 1 मिनट तक हम दोबारा से वेट करके देख लेते हैं क्या ये काम कर रहा है कि नहीं। मेरे लिए पता नहीं क्यों नहीं काम कर रहा है। बहुत से लोगों ने बोले स्मार्टफोन में वर्क नहीं करता है, किसी किसी स्मार्टफोन में सपोर्ट नहीं करता है, तो आपको प्ले स्टोर से एक ओपन कैमरा ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, उसमें ये सपोर्ट करेगा। तो मैं वो भी कर लेती हूँ, मैंने वो भी ट्राई किया, मैंने इसको दूसरे फ़ोन में भी लगा के ट्राई किया, पर ये वर्क बिल्कुल नहीं कर रहा है। पता नहीं कैसे सब ने बोला कि ये काफ़ी अच्छा माइक है, आई डोंट नो। तो मेरे एक्सपीरियंस जो इसके साथ रहा वो तो बहुत ही बेकार था। तो आप देख रहे होंगे बैकग्राउंड से आपको कार की आवाज़ आ रही होगी ऑन की। तो 1 मिनट भी होने वाला है, जैसे कि आप रिकॉर्डिंग में साइड में देख रहे हैं, 1 मिनट हो चुका है। तो बहुत से यूट्यूबर ने ये बोला था कि आपको 1 मिनट तक वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये नॉइस को कट करेगा। तो 1 मिनट भी हमने वेट कर लिया, 1 मिनट हो गया है, 1 मिनट 11 सेकंड हो गए हैं, अभी भी आपको मेरे बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही होगी। तो अब मैं क्या करती हूँ, इस वीडियो को सेव कर रही हूँ। तो अभी यहाँ पर मेरी वॉइस रिकॉर्ड नहीं होगी, लेकिन स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन है, वो बिना वॉइस वाला ऑन है, तो इसलिए फिर मैं ओपन कैमरा ऐप ऑन करूँगी, उसमें सेटिंग करूँगी, जाके वीडियो सेटिंग पे आपको दिखाऊंगी कि इस पे जैसे और यूट्यूबर ने बताया कि उसको माइक पे रखिए, एक्सटर्नल माइक पे, फिर आप रिकॉर्डिंग कीजिए तो वॉइस आती है। तो मैं पहले वो सारी सेटिंग करूंगी, इसमें आपको दिखाऊंगी, उसके बाद फिर मेरी वॉइस स्टार्ट होगी। तो उतनी देर में यहाँ पे आपको म्यूट रहेगा, आवाज़ नहीं आएगी। तो मैं यहाँ पर वीडियो को सेव कर रही हूँ। तो जैसे आपने देखा, मैं सेटिंग पे जाके अभी एक्सटर्नल माइक पे इसको करके फिर मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर रही हूँ। तो फिर ये यहाँ पे मैंने दोबारा से रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है, तो अभी आपको आवाज़ मेरी आ रही होगी। तो फिर से हम दोबारा चेक कर लेते हैं आपको मेरे बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही है कि नहीं। तो जैसे कि यहाँ पे वीडियो स्टार्ट हो चुका है, अभी चल रहा है, तो आपको बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही होगी। बहुत से यूट्यूबर ने बोला कि बैकग्राउंड में आपके फ़ैन को चल रही हुई आवाज़ भी ये कट कर देता है, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, ये फ़ैन की चोरी है। अभी आप देख रहे होंगे कि मेरे रूम से कितनी दूर रोड है, फिर भी आवाज़ आपको गाड़ियों की आ रही होगी। तो ये फ़ैन की तो बिल्कुल भी कट नहीं कर रहा है, पता नहीं उन लोगों ने कैसे बोल दिया। तो अगर मैं फ़ैन ऑन कर दूँगी तो फिर आपको बहुत ज़्यादा ही सरसर इसके अंदर आवाज़ आने लगेगी, तो इसलिए मैं फ़ैन ऑन नहीं कर रही हूँ। अभी मैं नॉर्मल जैसे मैं रोज़ रिकॉर्ड करती हूँ वैसे ही कर रही हूँ। तो अभी आपको शायद बैकग्राउंड में मेरी आवाज़, मतलब कार की आवाज़ आ रही होगी हॉर्न की, सुना आपने। तो ये नॉइज़ बिल्कुल भी कट नहीं कर रहा है, जबकि वो इतनी दूर की आवाज़ है तो ये कट नहीं कर रहा है। तो हम जब इसे ओपन फील्ड में रिकॉर्डिंग करेंगे तो फिर ये क्या ही कट करेगा। तो देखिए 1 मिनट भी यहाँ पे ऑलमोस्ट हो चुका है, 1 मिनट 17 सेकंड हो चुके हैं, तो ये नॉइज़ को बिल्कुल भी कट नहीं कर रहा है, बैकग्राउंड से वैसे ही आवाज़ आ रही है। तो इसको लेने ना लेने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, मैं तो बोलूँगी ना ही लें आप इस माइक को। अगर आपको लेना है तो कोई और माइक आप देख लें, मैं भी सर्च करूँगी और माइक ट्राई करूँगी आपके लिए परफेक्ट माइक लाने की, जिससे अच्छे से नॉइज़ कट हो। इसे मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया था, ये मुझे 649 रुपीस का पड़ा था, उस वक्त अमेज़ॉन पे कुछ डिस्काउंट वगैरह चल रहा था। वैसे तो इसकी MRP है 1995 रुपीस। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने प्राइस इसकी मेंशन की हुई है, दिख रहा होगा आपको MRP 1995 रुपीस। तो अभी भी आपको देखिए पीछे कार्स की हॉर्न की आवाज़ आई होगी बाइक की। तो मैं वीडियो को यहीं पे पॉज कर रही हूँ और मैं वीडियो को यहाँ पे एंड कर रही हूँ, साथ में मैं यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्ड जो मैंने किया है उसकी क्लिप मैं साइड में छोटे से कॉर्नर में लगा दे रही हूँ आपको, कि ताकि आपको दिख सके कि इस वक्त क्या चल रहा था।
तो मैं वीडियो को यहीं पॉज कर रही हूँ। और मेरे लिए इस प्रोडक्ट के लिए बिल्कुल भी मैं इसको नंबर नहीं देना चाहूँगी। मैं इसको थम्स डाउन दे रही हूँ। ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, ये बहुत ही बेकार प्रोडक्ट मुझे लगा। अभी बिल्कुल भी नॉइस को कट नहीं कर रहा है। वीडियो एंड करने से पहले मैं एक बार आपको यहाँ पे ये दिखा देती हूँ कि मैंने इसको कैमरा ऑफ मोड पे रखा था, मतलब स्मार्टफोन पे रखा हुआ है, जैसे कि हमें स्मार्टफोन पे रिकॉर्डिंग करने के लिए रखना पड़ता है। बैटरी निकाल देती हूँ, तो ये देखिए मैं बैटरियाँ निकाल रही हूँ। इस तरह से आपको कपड़े को पुल करना है तो बैटरी ईजिली आपकी निकल जाएगी। तो जैसे आपने अभी देखा, मैंने सारी वीडियो को रिकॉर्ड किया ओपन कैमरा ऐप से भी, अपने मोबाइल के नॉर्मल कैमरे से भी, तो आवाज़ फिर भी बैकग्राउंड से आ रही है। तो मुझे तो ये प्रोडक्ट बिल्कुल ही पसंद नहीं आया। अगर आपको परचेस करना है तो आप परचेस करके देख सकते हैं, आप खुद इसे ट्राई कर सकते हैं। मैं और दूसरा माइक सर्च करके फिर मंगाऊंगी, उसकी रिव्यू शेयर करूंगी, देखते हैं कौन सा माइक मुझे पसंद आता है। ये थी मेरी रिव्यू इस प्रोडक्ट से रिलेटेड। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। तो सी यू ऑन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।